सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी, देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे गांव का नाम है कन्यास, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, तो मैं आज घर ही पर हूँ। मैं कॉलेज क्यों नहीं गई हूँ, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो आजकल वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं तब नहीं गई कॉलेज। हमेशा की तरह मैंने घर के सभी काम कर दिए हैं और अब चलती हूँ गौशाला। और आप लोग सोचते होंगे कि ये ब्लॉग में घर के काम और गौशाला ही दिखाती है, तो मैं आपको बता दूं, जब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ तो मैं घर पे रहती हूँ, तो मैं घर के यही काम करती हूँ जो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। मेरे पास एक माल्टा है और जिसका आकार अजीब सा है, क्योंकि ये पेड़ पे कांटों के बीच था शायद, तो इसलिए इसका आकार ऐसा हो गया है। पर दादी घास के ले जा रही हैं और गौशाला की बाल्टी भी ले जा रही हैं। बोला हाय गाइस, घास के ले जा रहे हो जंगल।
मैं गोबर की कंडी उठा ली है और इसे ले जा रही हूँ मैं दूर के खेतों में। और आप हमारे गांव का नज़ारा देख सकते हैं। जो गौशाला में भरी हुई है कन्या, एक बार उनको भी यहाँ तक लाती हूँ, तब ले जाएंगे खेत में। हो गया है और हम धूप सेकने के लिए बैठे हुए हैं छत पर, और मेरे साथ बैठा हुआ है मेरा भाई और उनका पिल्ला। अभी ले जा रही हूँ मैं गोबर की कंडी, जो कि मैंने सुबह रास्ते में रखी हुई थी, तो उसको मैं अभी खेत में ले जा रही हूँ। मैं बैठ के जा रही हूँ इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर गिरने का बहुत ज़्यादा डर है। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने दौला वाले खेत में, और गोबर डालते समय बहुत ही आफत आती है, फीलिंग तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आंवले का पेड़ है और मैं जा रही हूँ आंवले निकालने, तो आपको भी दिखाती हूँ।
जी को आंवले चाहिए थे वाले, तो मिला गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक ले बाय, टेक केयर। जय देव हूँ उत्तराखंड।